Morning, children. Today we will discuss about the chapter The Shehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan ki Shehnai. This chapter throws light on the origin of Shehnai and the life of all time great Shehnai Wadak Bismillah Khan. ये जो पार्ट है ये हो एक रोशनी डालता है Shehnai की उत्पत्ति के ऊपर और हर समय के महान Shehnai Wadak Bismillah Khan के जीवन के बारे में. The winner of Bharat Ratna, जो कि भारत रत्न के विजेता भी थे, जिसको कि the highest civilian award of India माना जाता है, सबसे उच्च कोटि का नागरिकता सम्मान भारत का, और ये दिया गया है उसके dedication, समर्पण, संगीत के प्रति and his love for India, उसका स्नेह भारत के प्रति. पुंगी a musical instrument, पुंगी जो है एक संगीत में वाद्य यंत्र है. वॉज बैंड बाई एम्परर औरंगजेब, इसको बैन कर दिया गया सम्राट औरंगजेब के द्वारा बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसका जो आवाज थी वो बहुत ही तीव्र और दुखद थी. इनफैक्ट सच में इट वॉज रिगार्डेड मोर एज ए नॉइज मेकर, इसको बताया जाता था, इसको समझा जाता जैसे कि एक आवाज शोरगुल करने वाला बजाय कि एक संगीत में वाद्य यंत्र के लिए. इट वॉज मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई किया गया, इसको सही रूप दिया गया, परफेक्ट ठीक बनाया गया बाय अ बार्बर, एक नाई के द्वारा, हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि संबंध रखता था एक ऐसे परिवार से जो कि व्यावसायिक संगीतज्ञ थे. ही प्लेड इट इन द चेंबर ऑफ किंग, उसने इसको जो है राजा के चेंबर में बजाया. Its sound was so appreciated by the emperor, और इसकी आवाज को इतना प्रशंसा की गई सम्राट के द्वारा that कि it was selected a part of नौबत, ये एक भाग बन गया नौबत का. नौबत एक नौ प्रकार के संगीत में वाद्य यंत्रों में से होते हैं और यह उनमें से एक बन गया. Since it was played for the first time in Shah's chamber, जैसे कि यह पहली बार जो है शाह के चेंबर में बजाया गया बाय ए नाई, एक नाई के द्वारा, इट केम टू बी नोन एज शहनाई, इसको नाम दिया गया शहनाई. ट्रेडिशनली इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेजन्स ऑल्सो, पारंपरिक तौर पे इसको बजाया जाता था मंदिरों में एंड ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेजन्स, और प्रत्येक शुभ घरेलू अवसरों पर भी. Its sound was regarded as auspicious, और इसका जो आवाज थी उसको माना गया था बहुत ही शुभ. But it was treated as an incomplete musical instrument, लेकिन इसको माना गया कि यह जो है एक अपूर्ण संगीतमय वाद्य यंत्र है, not capable of creating independent pages, और ये अपने आप जो है जब इसको अकेला बजाया जाता है तो ये स्वतंत्र संगीत उत्पन्न नहीं कर सकता है. But Bismillah Khan broke this myth, लेकिन जो ये एक भ्रम था लोगों का उसको जो है बिस्मिल्लाह खान ने तोड़ दिया, कल्पित बात जो थी उसको बिस्मिल्लाह खान ने तोड़ दिया. बिस्मिल्लाह बिलोंग टू द बनारस घराना, बिस्मिल्लाह जो है वो बनारस घराने से संबंध रखते थे. ही वॉज बॉर्न इन 1916 एट दुमराव इन बिहार, बिहार में दुमराव के बिहार में 1916 में इनका जन्म हुआ था. एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के जब थे, ही यूज टू विजिट द बिहारी जी टेम्पल, वो बिहारी जी के टेम्पल में जाया करते थे एंड सिंग भोजपुरी चैता, और वहाँ पे भोजपुरी चैता गाया करते थे. फॉर हिज मेलोडियस सिंगिंग ही यूज टू अर्न, उनके बहुत ही सुरीली गायकी के लिए वो कमाया करते थे. अ बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू फ्रॉम द लोकल भोजपुरी महाराज या किंग, इससे जो वहाँ के लोकल भोजपुरी राजा थे उनसे. एट द एज ऑफ 3-3 साल की उम्र में ही मूव टू बनारस, वो बनारस चले गए. देयर अंडर द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज मैटरनल अंकल, वहाँ पर उनके मामा अली बख्श की गाइडेंस और शिक्षण के अंतर्गत ही स्टार्टेड पिकिंग अप द फाइनर न्यूसेंस ऑफ द शहनाई, उन्होंने शुरू किया पकड़ना बहुत ही अच्छे, जैसे कि न्यूसेंस का मतलब होता है भाव, मत, रंग, मतलब हर प्रकार की चीजें किससे संबंधित, शहनाई से संबंधित. ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, वो अपना समय, अधिक समय जो था वो प्रैक्टिस करते हुए गंगा नदी के किनारे अभ्यास करते हुए रहते थे.
थीम्स ऑफ हिज म्यूजिक वर डीपली अफेक्टेड बाय द साउंड्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, और जो उनकी थीम होती थी, जो विषय आते थे उनके संगीत के, वो अधिकतर प्रभावित होते थे जो बहता हुआ पानी, गंगा का बहता हुआ पानी उसकी आवाज में से। अब यहाँ पे कुछ कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बिस्मिल्लाह खान के, जो कि आपको याद रखने चाहिए। पहला है, बिस्मिल्लाह खान टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ व्हेन ही वाज 3 ईयर ओल्ड इन द कंपनी ऑफ हिज मैटरनल अंकल। उसके मामा के संगति के अंतर्गत उन्होंने 3 साल की उम्र से जो है संगीत सीखना शुरू किया। दूसरा है, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जब शुरू हुआ तो उनको पहला ब्रेक मिला अपने शहनाई को बजाने का। ही ऑल्सो प्लेड शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 फ्रॉम रेड फोर्ट इन परसेंस ऑफ पंडित नेहरू। पंडित नेहरू की उपस्थिति में 1947 को रेड फोर्ट पर भी 15 अगस्त के दिन उनको जो है शहनाई बजाने का मौका मिला। ही ऑल्सो के म्यूजिक इन 2 मूवीज, गूंज उठी शहनाई और सनाधी अपन्ना में उन्होंने जो है संगीत दिया है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वॉन्टेड हिम टू हेड अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रेप्लीकेटिंग द टेम्पल देयर। एक छात्र एक बार चाहता था कि वो एक शहनाई स्कूल को यूएसए में चलाए, एंड द स्टूडेंट ने प्रॉमिस वायदा किया कि वो वहाँ का बनारस जैसा वातावरण वहाँ पे रिक्रिएट उत्पन्न करेंगे बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और उसी प्रकार का एक मंदिर रेप्लिकेटिंग बनाएंगे। पर खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह रिवर गंगा को भी क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेके जा सकता है। दिस वॉज द स्टोरी एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।